करंट अफेयर फरवरी फर्स्ट वीक। किस राज्य में हाल ही में आनंद कारज मैरिज एक्ट लागू हुआ है? दिल्ली। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता है? भारत। हाल ही में किस वर्ष 2016 हेतु साहित्य अकादमी भाषा सम्मान प्रदान किया गया है? शेष आनंद मधुकर को। हाल ही में कच्चे इस्पात उत्पादक के मामले में दुनिया भर में भारत कौन सा सबसे बड़ा देश बना है? तीसरा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 42वां। हाल ही में 5 संसदों को उत्कृष्ट संसद पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें कौन शामिल नहीं है? भागवत मान सिंह शामिल नहीं है। हाल ही में आई न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरी के मामले में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 6वां। भारत में हाल ही में लाइफाई तकनीकी का सफल परीक्षण किया है, जिसकी स्पीड आंकी गई है 10 GB/s। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी सरबत विकास योजना प्रारंभ किया? पंजाब। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 30 प्रकार की छात्रवृत्ति वितरण हेतु मिशन वन क्लिक योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने ग्रैमी अवार्ड 2018 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ब्रूनो मार्स। हाल ही में किसे अमूल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? राम सिंह परमार को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं? विजय गोखले। हाल ही में किस प्रथम भारतीय महिला इमाम ने जुमे की नमाज अदा कराकर इतिहास रचा है? जमीदा टीचर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 100 में से कितनी भारतीय महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार माना गया है? 25। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रहने के मामले में किसे सबसे सस्ता देश माना गया है? दक्षिण अफ्रीका। किस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब जीता है? रोजर फेडरर। हाल ही में कौन आईपीएल 2018 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? बेन स्टोक्स। हाल ही में किसे वर्ष 2018 के पद्म विभूषण पुरस्कार से के लिए चुना गया है? पी परमेश्वरम शिक्षा और साहित्य। हाल ही में 26 जनवरी 2018 को भारत रत्न भारत भर में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 69वां। हाल ही में 24 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिनकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 से। किस देश ने हाल ही में फेक न्यूज के खिलाफ सुरक्षा इकाई का गठन किया है? ब्रिटेन। हाल ही में 25 जनवरी 2018 को
कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? 8वां।